अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो इसके बाद हमारे पास जाना, हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की एंड क्वेश्चन नंबर 14 को कम्प्लीट सॉल्व करूंगा। दोनों जो है वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल और समझने वाले क्वेश्चन हैं, और आज के लेक्चर में हमारे पास ये जो हमारे पास पोर्शन है चेकिंग मीन वैल्यू थ्योरम, ये वाला पोर्शन जो है हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए जो है ना, वो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट में जब भी कोई लेक्चर या वीडियो लेके आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखेंगे जी स्टूडेंट, ये जी मेरे पास आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है जी फंक्शन उसने आपको दिया f(x), एक आपके पास जो है वो पीस वाइज फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है। कहते हैं एक्स जबकि जो है ना वो इसकी लिमिट जी, इसका जो ना इंटरवल है वो है 0 से लेके 1 तक, और आपके पास फंक्शन जो है ना वो 0 है जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब देखें जी, बेसिकली इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है और हमें जो है ना इसको समझना पड़ेगा कि बेसिकली इसमें स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। समझने वाला सिंपल सा, शॉर्ट सा, ईजी सा क्वेश्चन है, आपने जो है ना वो गौर से देखना है। कहता है कि जो फंक्शन है ना इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, कहता है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 है। तो देखते हैं जी, अगर हम जहाँ पे एक्स पे 0 पुट करें तो फंक्शन 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स फंक्शन जो है ना वो 0 के ऊपर 0 है, ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। इसके बाद कहता है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी फंक्शन 0 है। तो देखें जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 है तो तब भी फंक्शन हमारे पास 0 है, ये बात तो क्लियर जो है ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, ऑलरेडी जो है ना वो इसका आंसर हमें मिल रहा है, हमारे सामने ये चीज मौजूद है। इसके बाद एंड डिफ्रेंशिएबल ऑन 0 और 1, और कहता है कि आपके पास जो है ना वो ये ओपन इंटरवल 0-1 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वो हम जब करेंगे आपको समझ आ जाएगी। बट इट्स डेरिवेटिव ऑन 0-1 इज नेवर 0, कहता है अगर हम इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए ये हमारे पास एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हमारे पास बनेगा 1, तो जब 1 बनेगा तो फिर 0 तो नहीं होगा ना, इसलिए जो है उसका डेरिवेटिव कहता है कि वो 1 के बराबर, वो 0 के बराबर नहीं है। ऑब्वियसली जब हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास 1 आएगा। हाउ कैन दिस बी, ये कैसे हो सकता है? Doesn't Rolle's theorem say the derivative has to be zero somewhere in open interval 0-1? Give reasons for your answer. Simple जनाब, इसमें आपको ये कह रहा है कि आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पे Rolle's theorem apply होता है कि नहीं होता। अब Rolle's theorem क्या होता है, mean value theorem क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि exercise 4.2 को start करने से पहले मैंने दोनों lectures detail के साथ इनके जो है state and proof करवाए थे। आपको suggest करता हूँ कि उन lectures को लाजमी देखें, जाके उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब Rolle's theorem बेसिकली क्या था, Rolle's theorem में भी बेसिकली हमारे पास जो है ना वो 3 hypotheses थे, जिनमें से हमारे पास पहला ये था कि फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, और दूसरा था फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। आप देखें इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो है ना वो लिमिट यहाँ से 0 से शुरू हो रही है और 1 पे जा रही है, उसके बाद है x इक्वल टू 1, यानी कि 0 से शुरू हो रही है 1 पे जाके खत्म हो रही है, और इसके पीसीज कहाँ पे हो रहे हैं, ये 1 है और ये भी 1 है, इनके 1 पे इसके जो है ना वो पीसीज हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है ना वो कंटिन्यूटी चेक करके चेक करते हैं यहाँ पे, इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कंटिन्यूटी हम 1 पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड लिमिट, जैसे हम जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले जो है ना वो आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आती है कि नहीं आती। तो लिखें जी यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो एक्स 1 से लेस है, ठीक है जी, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स। जब आपने एक्स की जब 1 पुट किया तो ये आ जाएगा ये आपके पास 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए जो है ना आपके पास ये वाला फंक्शन यूज होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, जब हमारे पास है ना वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 या इससे ग्रेटर, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन 0 है, यानी इसका आंसर फंक्शन का आंसर 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखें ये आपके पास 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर 1 आया, राइट हैंड लिमिट पे आंसर 0 आया, इसका मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता, ठीक है, सिंपल जाना वो आप कह दें, जो मैंने आपको रीजन बता दी ऑलरेडी कि हमने जाना इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सिंपल जाना वो आप लोग कह देंगे कि इसका जाना वो यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल और वेरी इजी करके मैंने आपको बताया था कि आपको समझ आ रही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, वो भी ऐसे ही है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कहते जी फॉर व्हाट, कहते जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एम एंड बी डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपके पास जो फंक्शन ये वाला उसने जो फंक्शन दिया वो आपके पास, यहाँ पे ए एम एंड बी आपके पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। और कहता है कि ये जो आपके पास उसने फंक्शन दिया हुआ है ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, और उसने इंटरवल दिया हुआ आपको 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, यहाँ पे 0 से इंटरवल शुरू और 2 तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल है जी 0 से लेकर 2 तक। तो कहता है जी आप लोग बताएं कि ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, आप लोग ए एम और बी जो कांस्टेंट इनकी वैल्यू भी निकालें, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस क्या था, उसका फर्स्ट हाइपोथेसिस ये था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, सेकंड ये था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। तो हम लोग जाना वो चेक करेंगे, हम लोग वैल्यूज निकालेंगे ए की, एम की और बी की। तो देखें नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसकी कंटिन्यूटी जाना वो चेक करेंगे। अब देखें यहां पे इंटरवल शुरू हो रहा है 0 से लेके फिर आगे 0 और 1 पे जा रहा है, फिर आगे 1 के बाद फिर दोबारा इसका पीस हो रहा है, फिर 1 से लेके 2 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली जाना वो 2 पीसेस हो रहे हैं, एक जाना वो यहाँ पे 0 फिर 0, यहाँ पे 1 और फिर 1। इसका मतलब है एक दफा हम लोग जाना वो 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, एक दफा हम 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और हम जाना वो वहां से इसको जाना वो सॉल्व करके चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, फिर हम लोग इसके साथ साथ इसकी ए एम और बी की वैल्यूज निकालते जाएंगे, और उसके बाद जाना हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग जाना यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिये हम लोगों ने आपको ये बताया कि कंटिन्यूटी जाना वो उसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जाना वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट आपके पास एक्स अप्रोचेस टू, पहले 0 पे चेक करनी है, तो 0 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जब 0 से लेस है, तो 0 से लेस के लिए आपके पास जो है ना ये देखें यहाँ पे एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एक्स 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा बल्कि ये वाला फंक्शन यूज होगा, एक्स 0 से लेस है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है, एक्स जो है ना वो आपके पास 0 से लेस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3, इसको लिखें यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू, अब राइट हैंड लिमिट के लिए 0 से थोड़ा आगे, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। अब यहाँ पे जाना वो जहां जहां पे एक्स है वहां पे 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, तो ये बन जाएगा जी आपके पास ए विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये देखें जी सिंपल हमें यहाँ पे जो कॉन्सेंट ए था उसकी वैल्यू मिल गई है, जो हमारे पास है जी ए विच इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन लिया और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 से आगे ये वाला फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 से ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन यूज किया, 0 पुट किया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब जनाब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसी तरह से अब हमने 1 के ऊपर भी इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो 1 के ऊपर चेक करते हैं 9, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं एक्स अप्रोचेस 1 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। जब 1 के ऊपर नेगेटिव है यानी कि 1 से लेस है, तो ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है हमारे पास ना, जब 1 से आपके पास लेस है, देखे ना एक्स लेस देन 1 ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव, तो आप लोग जाना इसको इस तरह कर ले ब्रैकेट में लिख रहे ताकि आपको मिस्टेक ना हो, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन यूज हो एम एक्स प्लस बी वाला, तो लिखें जी यहाँ पे एम एक्स। अब यहाँ पे देखें जी जहां जहां एक्स वहां पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस और एक्स के भी 1 पुट किया, तो 1 का स्केयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए विच इज इक्वल टू जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 पुट कर दिया, तो एम इंटू 1 प्लस बी आ जाएगा। अब यहां से देखें जी ये 1 का स्केयर 1 और जब माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस 3 प्लस एक जगह पे 3 पुट किया तो 3 आ गया, ये बन जाएगा एम प्लस बी, तो 3 प्लस 3 6, 6 में से एक माइनस के तो 5 आ चुका, तो ये आ जाएगा जी 5 विच इज इक्वल टू एम प्लस बी। अब ये जो है ना वो आप उसको 1 का नाम दे दें,
यहाँ से हमें ए की वैल्यू तो मिल गई थी, ए विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन एक बनी है, 5 विच इज इक्वल टू एम प्लस बी। अब ये तो हमने जनरल कंटिन्यूटी के लिए इसको यहाँ पे चेक किया, अब हम जो है ना वो मजीद इसकी वैल्यूज निकालने के लिए अब कैसे इसकी निकाल सकते हैं, हम इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करेंगे, इसकी 1 पे चेक करेंगे यहाँ पे। तो 1 पे जो है ना वो आपके पास यहाँ पे पीसीज हो रहे हैं इसका, क्योंकि ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। तो 1 पे आप चेक कर लें, यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, यहाँ से जो है ना वो एम की या फिर बी की वैल्यू मिल जाएगी, आपको इजीली निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये बनेगा जी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव, 1 के ऊपर नेगेटिव के लिए हम ये वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा जी माइनस 2x। ये बनेगा जी आप इसका डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 3, प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप लोग एक्स के बिट 1 पुट करेंगे तो बनेगा जी माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा जी आपके पास माइनस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एम हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी विच इज इक्वल टू एम आ जाएगा, और ये आपके पास है ना वो यहाँ पे सिर्फ एम रह जाएगा। तो अब देखें जी यहाँ में हमने आपको बताया कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होनी चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली थी, 1, राइट हैंड लिमिट निकाली है एम, तो 1 विच इज इक्वल टू एम। तो देखें जी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एम की, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1। अब इसको जो है वो 1 में पुट कर दें एम की वैल्यू को, इसको 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, 1 यहाँ पे पुट किया तो इधर आके जो है ना वो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, देखें ये बन जाएगा 5 माइनस 1 पुट किया तो 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4 विच इज इक्वल टू बी, ये है जी आपके पास बी की वैल्यू। तो ये थी हमारे पास वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास ए की, एम की और बी की, तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोग लास्ट इसका स्टेप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपने इसको लास्ट में देखना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम इसका ना चेक करना है, ठीक है। उसमें देखें कि हमने जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली, जहां पे ए की वैल्यू 3 निकाली, एम की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमने चेक भी करना है कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस को जो है ना वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, उसके लिए कंटिन्यूस होना चाहिए और उसके लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस के लिए भी हम क्या चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की इक्वल आनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली ए की 3, ए की वैल्यू हमने 3 निकाली है। अगर आप ए की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू 3 की पुट करता हूँ, तो ये 3 ये तो यहाँ पे एक्स के 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। एक जगह पे जब मैंने 3 पुट किया तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी साइड पे भी 3 आ गया, 3 लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 3 आ गया, राइट हैंड पे भी 3 आ गया। इसका मतलब कि दिस इज कंटिन्यूअस, इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, उसके लिए हमने एम की वैल्यू क्या निकाली, एम की वैल्यू 1 निकाली है, 1 यहाँ पे पुट किया, बी की वैल्यू 4 निकाली है, बी यहाँ पे पुट किया 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे भी इक्वल आ चुका, यहाँ पे भी इक्वल आ चुका। इट क्लियरली मीन्स दैट कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो हमारे जानो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जानो वो सॉल्व हो चुका है, हमने इसकी वैल्यूज भी निकाल ली है। सिंपल से शार्प से 2 क्वेश्चन थे जो मैं चाह रहा था आपके साथ जानो लाजमी शेयर करूँ, कंसेप्चुअल है और इन चीज़ों को जाना वो समझना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, उनका भी भला हो जाए, उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलें, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।